हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त मेराज, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि हम थ्री फेस स्टार्टर को रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्टार्टर है थ्री फेस का, ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम पहले खोल लेंगे। तो ये हमने खोल लिया, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके ये बटन जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये रिले है इसका ये वाला पॉइंट जो है स्टार्ट पॉइंट, यानी ये काम नहीं कर रहा, ये मोटर जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही, ये पॉइंट इसका अंदर चला गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी रिले को ही चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टार्टर की रिले को किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सप्लाई लगती है, ये वाला हम कोने वाला स्क्रू ढीला करेंगे। ये तार जो यहाँ पर ये कॉइल में आया है, इसको हम हटा देंगे। तो ये अंदर आप देखेंगे, बिल्कुल अंदर चार पॉइंट है, तीन जो है फेस के हैं RYV, और एक जो है ये ऑक्सिलरी कॉइल का होता है। पहले आप यहाँ पर ये खोल लेते हैं, एक दो और ये तीसरा पेच, और चौथा जो है ये ऑक्सिलरी कॉइल का है, जो ओवरलोड रिले होती है उसका वायर है ये। और यहाँ पर ये वाला वायर भी हम खोल देंगे। तो ये हमारी रिले जो है बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई रिले है, इसमें हम ये वाली नई वाली रिले लगाएंगे। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक बटन गायब हो चुका है, और इसके दोनों बटन है, स्टार्ट और ऑफ वाले दोनों बटन है, और इसका सिर्फ ऑफ वाला बटन है पुरानी वाली रिले का, नए रिले के दोनों बटन है। तो इसको लगाएंगे इस तरह से, ये चारों जो पेच है हमारे चारों खांचे में आराम से बैठ जाए अंदर। इसको आराम से पहले चेक कर लेंगे, ढंग से देख लेंगे अंदर ये आराम से बैठ जाए, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे पीछे से पकड़ने के बाद। ये एक पेच टाइट किया हमने, और ये लास्ट वाला टाइट कर देंगे। और ये दूसरा पेच टाइट किया, अंदर जो पेच लगे हैं उसको टाइट करेंगे। और ये चौथा, तो ये हमारे चारों पेच टाइट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला नीला वाला तार हटा देंगे, जो स्टार्ट पॉइंट पे लगा है, जहाँ पर ये स्टार्ट स्विच का है, इसको हटाएंगे। क्योंकि दो तार हो गए, हमने पुराने वाले का भी छोड़ रखा था और नए वाले में भी तार लगा होता ही है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी यानी ओवरलोड रिले होती है ये। उसके बाद ये वाला पेच लगा देंगे NVC कॉइल का, जो कॉन्टेक्टर की रिले वाली कॉइल का वायर है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ऑफ वाले पॉइंट पर, यानी ऑफ वाले बटन की साइड। और यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर की दूसरी वाली साइड का वायर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये वायर यहाँ पर आ जाएगा, एक वायर फेज वन पर आएगा और एक वायर फेस थ्री पर आएगा। फेस थ्री पर पीला वाला वायर पहले से ही लगाया रिले का, ठीक है। तो ये हमारी रिले प्रॉपर तरीके से लग चुकी है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो इसको हम सिर्फ सिंगल फेस से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है सप्लाई के लिए सिर्फ दो तार की ज़रूरत ही होती है, एक यहाँ पर फेस नंबर वन पर और एक फेस नंबर थ्री पर। बीच वाला फेस फ्री होता है, जब रिले काम करती है तो ऑटोमेटिकली ये फेस आगे को सप्लाई पास कर देता। तो ये हमने जो है फेस वन पर और फेस थ्री पर सप्लाई दे दी है, और यहाँ पर हमने सीरीज अपनी लगा दी है, और यहाँ पर ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्टर हमारा काम कर रहा है, ये हमारी रिले सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर हम जो है रिले की रेंज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बल्ब से चेक करेंगे कि कॉन्टेक्टर जो है सप्लाई आगे को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हमने सीरीज में लगाएंगे इसको, तो ये कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कर दिया है, अब हम डायरेक्ट में बल्ब होल्डर लगा करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट में बल्ब होल्डर जल रहा है, बीच वाले में नहीं जलेगा, क्योंकि बीच वाले में अभी कोई भी फेस नहीं आ रहा है। इसको क्योंकि हम सिंगल फेस से ही चेक करें, तो बीच वाले में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बीच वाले में हमने कोई भी वायर नहीं लगाया, क्योंकि फेस वन में लगाया और फेज थ्री में लगाया। तो इस तरीके से आप जो है कॉन्टैक्टर की रिले को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।